आइए सर जी आइए, बैठ बैठ बैठ। वो देखिए वो रहे मशहूर वकील कालीचरण विश्वनाथ जी। क्या सर जी जल्दी जल्दी चले जाएंगे वो, चलिए चलिए। साहब 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 ये बड़ी दूर से आए हैं साहब, इनका केस ले लीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी साहब। केस क्या? हम अपने गांव के सबसे बड़े जमींदार हैं वकील साहब, हमारे खेत में तकरीबन 300 मजदूर कुत्ते काम करते हैं। इन कुत्तों को पिछले 10 वर्षों से हम 10 रुपए मजदूरी देते आए हैं वकील साहब, अब वो हरामजादे 12 रुपए मजदूरी चाहते हैं। अब आप ही बताइए वकील साहब, मेरी जूठन पर पल्ले वाले जब मुझसे बदतमीजी करें, मुझसे जबान लड़ाएं, तो क्या मुझे गुस्सा नहीं आएगा? बस मैंने अपने आदमियों से थोड़ी सी उनकी पिटाई करवा दी। और वकील साहब, अब उन हरामजादों ने मुझ पर केस कर दिया है कि मैंने उनके एक आदमी को मार डाला। आप ही बताइए मुझे वकील साहब। कमीने, अपनी मेहनत और खून पसीने से कमाई हुई मजदूरी मांगने वाले को तू नमक हराम कहता है? काम के मुताबिक मजदूरी मांगने पर तू उनका खून करवाता है? आजाद भैया होश में हो, क्या कर रहे हो? हाँ, ऐसा पूछेगा सरकारी वकील तो जानते हो मैं क्या जवाब दूंगा? क्या? मैं फौरन दफा 420 उठाकर यहाँ रख दूंगा। दफा 420? हाँ 420। फिर सरकारी वकील क्या करेगा मालूम? क्या? वो दफा 840 उठाकर यहाँ रख देगा। अगर उसने ऐसा किया तो मैं भी खामोश नहीं रहूंगा, मैं दफा AK-47 उठा लूंगा। AK-47? ये तो किसी बंदूक का नाम है ना? बेवकूफी मत करो, वकील साहब नाराज रहेंगे। तो फिर वो सरकारी वकील क्या करेगा? वो दफा 225 लगा देगा, लेकिन मैं नहले पे ठेला लगा दूंगा। वो ताला लगाएगा, मैं मीसा लगा दूंगा। वो अंदर करेगा, मैं बाहर कर दूंगा। और इस अंदर बाहर के खेल में आखिर में दफा 9-2-11 उठाकर उनके मुंह पर मारूंगा। और आपको केस से छुटकारा मिल जाएगा। यू विल विन द केस। आपका बैग। जज साहब ने आपको सलाह मशवरा के लिए अंदर बुलाया है। जज साहब। क्या आदमी है ये, टैक्सी वाला भी बगैर किराया लिए चला गया। आई क्या चाहता है, बैग भारी कैसे हो गया? हमारी मांगे, हमारी मांगे। क्या इन मालिकों के दिल कभी नहीं पिघलेंगे? हम इनकी दौलत में हिस्सा नहीं मानते, इनके ऐशो आराम में हिस्सा नहीं मानते। हम तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए आधी रोटी मांगते हैं। हम मालिकों से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, हमारी मांगे पूरी कर दीजिए। अगर ये हड़ताल 2 दिन और चली तो भूख से तड़पते ये बच्चे बेमौत हो जाएंगे। मजदूर यूनियन, मजदूर यूनियन, मजदूर यूनियन, मजदूर यूनियन, मजदूर यूनियन। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? इतनी मेहनत से पैसे कमाए, रस्ते में फेंक दिए। आज दिन में जो तुम लोगों ने हड़ताल देखी थी, ऐसी एक भूख हड़ताल बरसों पहले भी हुई थी, वो मेरे बाबूजी ने की थी। मजदूर यूनियन जिंदाबाद, इंकलाब नहीं आता मिश्रा, क्या करूं इस यूनियन लीडर का? ना तो आराम से बिकता है, ना टूटता है। गर्ग बाबू, हमारे डरबा डिस्ट्रिक्ट में कहते हैं कि जो आदमी ना टूटता हो ना बिकता हो, उसका एक ही इलाज है, मौत। कौन है तुम? क्या चाहते हो? तुम्हारी जान। सारे सबूतों और गवाहों के बयान से यह साबित होता है कि मुलजिमा राजलक्ष्मी के काटकर नाम के आदमी के साथ नाजायज संबंध थे। जिस दिन यह कत्ल की वारदात हुई, उस दिन मुलजिमा के पति सत्यप्रकाश ने मुलजिमा को अपने यार के साथ रंगरलिया मनाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया और अपनी काली करतूतों को छिपाने के लिए मुलजिमा ने अपने पति का बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। नहीं, ये झूठ है,
मुंजिमा का यह जुर्म सख्त से सख्त सजा के काबिल है, लेकिन मुंजिमा गर्भवती है, इसलिए अदालत रहम का बर्ताव करते हुए उसे 7 साल कैद की सजा सुनाती है। आज से तुम्हारी सजा खत्म। माँ, हक बुझाई, मुझे पाला पोसा प्यार दिया, कोई रिश्ता ना होने के बावजूद भी मेरे सब कुछ बन गए। बस उसी दिन से जब भी मैं किसी गरीब को भूखा मरते हुए देखता हूं तो मेरे अंदर से एक आवाज आती है, आजाद मिटा दे उनके दुखों को, चाहे उसके लिए तुझे कितने ही पाप कितने ही जुर्म क्यों ना करने पड़े। आजादी मिलने के बाद भी आज तक इस देश के गरीब गुलाम है, गुलामी की वो जंजीरें तोड़कर उन्हें आजादी दिला सकूं, इसलिए मेरी मां ने मेरा नाम आजाद रखा जेल की कैद में। आजाद, ये जलेबी तो तू बेचेगी नहीं, ये तो मैं खुद खाऊंगी। अरे पगली, जब तू बचपन से चाहती है आजाद को तो उसे बोल क्यों नहीं देती? ये बातें बोली थोड़ी जाती हैं, समझी जाती हैं। शनिवार मिश्रा जी का बेटा है और वो नेता मेरे पिता समान है, उन्होंने मुझे ये नौकरी दिलवाई है। नहीं लिखूंगा मैं तुम्हारी रिपोर्ट, दफा हो जाओ तुम लोग यहाँ से। कैसे दफा हो जाए साहब, उस कमीने ने मेरी जवान लड़की की इज्जत लूटने की कोशिश की है। अरे जवान लड़की की इज्जत नहीं तो क्या तेरी? ओ साहब, तुम्हारी भी तो माँ बहन होगी ना, अगर उसके साथ ऐसा हो जाता तो। चुप, बदतमीज, इंस्पेक्टर साहब से बदतमीजी करता है। ये साले जाहिल गवार अनपढ़, इन लोगों की इतनी हिम्मत कि आप जैसे हरामी कुत्ते के सामने, मेरे मतलब आप जैसे पढ़े लिखे अफसर के सामने जबान चलाए। चलो निकलो यहाँ से, चलो निकलो निकलो निकलो, चलो भैया निकलो निकलो। अरे जाओ ना, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ। आप गलत मत समझिए साहब, आप एक काम कीजिए, आप अपने नाम के बीच में से ये बिंदी हटा दीजिए और ए लगा दीजिए तो आपका नाम आपके धंधे के हिसाब से एकदम फिट हो जाएगा, डीलाल से दलाल। यह बदतमीजी तूने पुलिस स्टेशन में की इसलिए बच गया, बाहर करने की हिम्मत ना करना वरना हाथ काट कर गले में लटका दूंगा। आजाद, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? क्या हम उस नेता के बेटे को ऐसे ही छोड़ देंगे? उस कुत्ते को सबक मैं सिखाऊंगा।
साले, चोरू के भाई को साला, पैसे वाले को लाला, और तेरी तरह कीड़े जहां बहते हैं उसे कहते हैं नाला। इतना हिम्मत उस गटर में रहने वाले कीड़े का, मैं उसका सारा का सारा खून नाले में बहा दूंगा। चल भाई। अरे ठहर जा भाई, ठहर जा, हम तो हाथ जोड़ते बैठ जा हुआ, अब तू हुआ जाके अपना मुंह काला मत कर लेना। इसीलिए मैं कहता हूँ कि उन झोपड़ पट्टी वालों को वहां से हटाओ, मगर एक तुम हो, अपनी कुर्सी का बिल्कुल फायदा ही नहीं उठाते। अरे उस जगह एक आलीशान फाइव स्टार होटल खड़ा करेंगे, करोड़ों रुपए का फायदा होगा। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, जो आज तक नहीं हुआ वो हो जाने दो, वरना वो दिन दूर नहीं कि आजाद की तरह झोपड़ पट्टी का हर आदमी तुम्हारे घर में घुस कर तुम्हारी भी धुलाई कर दे। मैं कहती हूँ उठो यहाँ से। अब यहाँ से मैं नहीं, मेरी लाश ही उठेगी गुल्ली। पांच मिनट में ट्रेन आती होगी, अगर पांच मिनट के अंदर तुमने मुझे आई लव यू नहीं कहा तो मैं यहीं लेटा रहूंगा और ट्रेन के नीचे अपनी जान दे दूंगा। आजाद क्यों मुझे परेशान कर रहे हो, उठो प्लीज। पहले तुम मुझे आई लव यू कहो और वो माला उठाकर मेरे गले में डाल दो, मैं फटाक से उठ जाऊंगा। लगता है ये माला तुम मेरी लाश पर ही डालोगी। नंबर के गुंडे बदमाश शर्म वाली हो, मगर शालू, शालू वालू कुछ नहीं, तुम एकदम चालू हो। हाँ। मगर फिर भी तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। जन्मदिन ना मनाने से झोपड़पट्टी हटने का क्या संबंध? बहुत बड़ा संबंध है साहब। जैसे हमारे डरबा डिस्ट्रिक्ट काम से संबंध है ना, वैसे ये बस्ती वालों काम से संबंध है। ये बस्ती वाले हमको वोट देते हैं तो हम इलेक्शन में जीतते हैं। अब कल इनकी बस्ती जलकर राख हो जाएगी तो ऐसे गम के माहौल में हम अपने जन्मदिन की खुशियां कैसे मना सकते हैं? फिर समझ में नहीं आया तो एक काम करो, कल के अखबार में खबर पढ़ लेना। आपको कौन सी भाषा में धीरज दे, कौन सी भाषा में आश्वासन दे, हमारे पास शब्द नहीं है। हम थोड़ी सी भेंट लाए, गरीब की भेंट स्वीकार कर लो। चले भाई बहनों को खाने का पैकेट दो, जल्दी करो, चलो चलो ले आओ, सब भूखा है, चलो। तो सामान चल गया, उसका नुकसान तो पूरा कर देंगे, लेकिन इस बेचारे की मासूम बच्ची चलकर राख हो गई, उसे कौन वापस लाएगा? अरे नहीं बहन, भगवान के लिए नहीं रो। न जाने वो कौन राक्षस है जिसने हमारी बस्ती में आग लगाई। नहीं नहीं बहन जी, ऐसा गलत मत सोचिए, हम पूरा तहकीकात कराया हूँ तो पता चला कि दुर्घटना का जिम्मेदार और कौन नहीं है, एक अंबकर ट्रांसफार्मर है। इसके अंदर शॉर्ट सर्किट है, इसमें से चिंगारी निकलता है तो थोड़ा सा चिंगारी उड़ के झोपड़ा पे गया और झोपड़ा में आग लग गया, तो ऐसा हो गया। लेकिन आप लोग चिंता नहीं करो, हम दूसरा सुरक्षित जगह ढूंढ रहा हूँ और जैसे ही जगह मिलेगा आप सबको यहाँ से निकाल के वहाँ आराम से बसाए देंगे। आराम करके गया ना, उसी हरामजादे ने अपनी बस्ती में आग लगाई है। ठीक कह रहे हो भैया, हाँ ठीक कह रहा हूँ।
उसी ने ये चाल चली है अपनी बस्ती खाली करवाने के लिए। आखिर तुम पुलिस की नौकरी क्यों नहीं करना चाहते, क्या बुराई है उसमें? पुलिस की नौकरी और मेरे मिजाज में जमीन आसमान का फर्क है काकी। अरे नहीं जमेगी मुझे पुलिस की नौकरी। क्यों नहीं जमेगी आजाद? हम लोगों के पास है ही क्या? भूख, गरीबी, लाचारी, दौलत और ताकत तो अमीरों के पास होती है। उनसे लड़ने के लिए हमें कोई तो सहारा चाहिए। जरा सोचो बेटा, हम गरीबों के दुख दर्द समझने वाला तुम जैसा कोई हमदर्द अगर पुलिस का अफसर बन जाए तो हम लोगों के लिए कितना बड़ा आसरा हो सकता है। Very good. Excellent, my boy. Excellent. स्टेशन का चार्ज लेने इंस्पेक्टर आ रहा है या कोई नेता? अरे यार खरे, मुझे तो ये कोई नेता से भी बड़ा आदमी लगता है। अरे काय का नेता, ये तो मवाली है साला, इंस्पेक्टर बन गया। था ना कि मैं शादी करना चाहता हूँ, यही हो लड़की। शालू, रूपा मेरे बचपन की साथी है, हम दोनों साथ ही खेलते खेलते बड़े हुए हैं। आज मैं जो इंस्पेक्टर बना हूँ ना, इसी की वजह से। हमेशा अलग अलग अर्जियों पर मेरे दस्तखत कराती रहती थी। अच्छा, फिर तो मुझे इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। रूपा, लड़की अच्छी लगी ना? अरे हूँ क्या करी, अच्छी नहीं लगी तो साफ साफ बोल दे, मैं शादी का प्रोग्राम कैंसिल कर दूंगा। नहीं नहीं आजाद, लड़की बहुत अच्छी है। और फिर क्या तुम्हारी पसंद कभी गलत हो सकती है? ये लो इस खुशी के मौके पर मुंह मीठा कर लो। थैंक यू, अब मैं चलती हूँ। रूपा, चाय तो पीकर जा। नहीं, दुकान पर कोई नहीं है। आइए गर्ग साहब, आइए। अरे नेता जी, आप लोग आए, मेरे क्लब में चार चांद लग गए। ये सब आप ही की मेहरबानी है कि आज हम इस मुकाम पर पहुँचे। आजाद साहब, अपने कुछ दोस्तों से आपकी दोस्ती करवाना चाहता हूँ। ये है गर्ग, अरे इनको तो आप जानते ही हैं, और ये है मिश्रा जी। राम राम, इन्हें भी जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। इरावत मिश्रा साहब, देश के लीडर, गरीबों के बहुत बड़े मसीहा ये। अरे पुरानी बातों को भूल जाओ आजाद बाबू, हमारे साथियों के साथी हो तो हमारे भी साथी हुए ना तुम। नहीं नेताजी, मैं आपके साथियों का साथ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये गरीबी हटाकर अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन मैं आपका साथ इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि आप गरीबों को हटाकर अमीर बनना चाहते हैं। अरे नहीं आजाद, हमारे डरबा डिस्ट्रिक्ट में कहते हैं कि जहाँ ज्यादा फायदा हो वहाँ थोड़ा सा नुकसान हंस खेल के बर्दाश्त कर लेना चाहिए। अब तुमसे दोस्ती करना है तो गरीबों को हटाने का ख्याल दिल से निकालना पड़ेगा।
अनार गली, गली 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 तू अनार गली, हजार जाने मिले जो मुझको तुझ पर फिदा करूं, तेरे हुस्न का चर्चा गली गली, तेरे हुस्न का चर्चा गली गली। मैं सच कह रहा हूँ, वो दिन दूर नहीं जब रिश्वतखोरी के इल्जाम में आजाद भी मुजरिमों की तरह जेल की सलाखों के पीछे होगा। आपका मतलब मेरा आजाद रिश्वतखोर है? रिश्वतखोर शब्द तो आजाद के लिए बहुत छोटा है बेटी, सच तो ये है कि वो पुलिस की वर्दी में एक गुंडा है। शायद ही इस शहर में कोई ऐसा मुजरिम होगा जिससे वो हफ्ता ना वसूल करता हो। हाँ, मैं बेईमान हूँ, रिश्वतखोर हूँ, और आज के जमाने में हर आदमी रिश्वत के दम पर ही जिंदा है। जो जितनी बड़ी कुर्सी पर बैठा है ना, उतना ही बड़ा बेईमान है। पूरे 10,000 रुपये है, रख लो, और अंदर जो हमारा आदमी है उसे छोड़ दो। क्या तुम मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारी ये हिम्मत? अरे भाई क्यों खाम खा पंगा ले रहे हो? अगर नहीं छोड़ना चाहते तो कोई बात नहीं, चाबी हमें दे दो, हम खुद छुड़ा लेते हैं। निकल जाओ यहाँ से, वरना तुम दोनों का भी अंदर कर दूंगा। चाबी दे दो। छोड़ो मेरा हाथ। चाबी दो। जिंदगी से रिटायरमेंट मिल गई सर। ऐसा मत कहिए हरी दादा, ऐसा मत कहिए। नहीं सर, मुझे खुशी है कि आखिरी सांस तक मैं अपना फर्ज ईमानदारी से निभा सका हूं। सर सर, एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए इस वर्दी की इज्जत मांगकर अगर आप सच्चे पुलिस ऑफिसर बन सके तो मेरी आत्मा को खुशी मिलेगी सर। इसके सारे साथियों को राउंड अप करके ले आओ। यस सर। आजाद आजाद आजाद, कान पक गए मेरे नाम सुन सुनकर। हम चाहते हैं साले से कोई ऐसा बदला लें कि वो जिंदा तो रहे मगर मुर्दे की भांति रहे। ये क्या मजाक है शालू? क्यों, तुम जब चाहो मेरे पुलिस स्टेशन में आके उद्धम मचा सकते हो। वो तब की बात थी, अब मुझे कोई ड्यूटी पर आकर डिस्टर्ब करे मुझे पसंद नहीं। जियो मेरे आजाद जियो, तुम इतना बदल गए हो ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। अभी भी नाराज हो? माफ कर दो ना, माफ कर दो ना। मैं तेरी चंचल चंचल तितली, तू मेरा फूल गुलाबी। मैं तेरी चंचल चंचल तितली, तू मेरा फूल गुलाबी। पास पास रहने को तेरे दिल ने बड़ी बेताबी। नहीं तो? तो फिर ये आपके घर में कैसे आ गए? मैं सच कह रहा हूँ, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। झूठ बोल रहे हैं आप, आपकी जानकारी के बिना ये आपके घर में कैसे आ सकते हैं? सारे सबूतों और गवाहों की रोशनी में ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिम आजाद गुनहगार है। इसलिए अदालत मुजरिम को 1 साल की कैद। चाचा, चाचा आजाद को सजा मत दीजिए, उसके घर से जो रुपए मिले हैं वो उसके नहीं मेरे हैं। कौन हो तुम? मेरा नाम रूपा है साहब। अगर वो रुपए तुम्हारे हैं तो तुमने इनके घर में क्यों रखे? मैं इसके घर में नौकरानी हूँ साहब, मेरे रुपए हिफाजत से रहे इसलिए मैंने इसको बिना बताए छुपा कर रख दिए थे। क्या एक नौकरानी घर का काम करके इतने रुपए कमा सकती है? मैं जलेबी भी बनाकर बेचती हूँ साहब। अच्छा, तो तुमने जलेबी बेचकर इतने सारे रुपए कमाए? तो फिर जवाब दो, बोलती क्यों नहीं?
कहां से कमाए इतने रुपए? बहुत बहुत शुक्रिया सर, जो आपने मुझे इस गुलामी की नौकरी से आजाद कर दिया। यहाँ तक लाने के लिए हमको चार मासूम बच्चों को चिता पे लेटाना पड़ा है, देखा कि नहीं? आरामजादो, एक बार छोड़कर देखो मुझे किस तरह चिता जलाता हूँ तुम लोगों की। मैं नहीं, चिता तुम नहीं, हम जलाएंगे तुम्हारे इन बच्चों की। जाए एक काम कर, इसको ले जाके बस्ती में फेंकवा दो जहां का ये हीरो है। आजाद बाबू, हमको माफ कर दो, हमको माफ कर दो भाई, हमको
हमको माफ कर दो आजाद, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं तेरे पांव पड़ता हूँ, हमें जाने दे, हमें छोड़ दे आजाद। लाया रे उतरा उतरा चेहरा फिर से चमका।